नमः शिवाय। दोस्तों धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 16 दिसंबर 2023 को ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका धनु राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए 16 दिसंबर 2023 की दोपहर 3:47 पर सूर्यदेव वृश्चिक राशि को छोड़कर आपकी राशि यानी धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 14 जनवरी 2024 तक सूर्य धनु राशि में ही गोचर करने वाले हैं। इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। इसका धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इस एक महीने की समयावधि में किन किन क्षेत्रों में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और किन किन क्षेत्रों में सूर्यदेव आपको विशेष उपलब्धि देने वाले हैं, तो सूर्य के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, सूर्य को काल पुरुष की जन्म कुंडली में आत्मा का कारक माना जाता है और सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक माना जाता है। उसके साथ साथ सूर्य को शक्ति, अधिकार, सत्ता, सुख, गवर्नमेंट जॉब और पेट का भी कारक माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर भी सूर्य का ही प्रभाव होता है। राशि चक्र में केवल एक राशि सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं, मेष राशि में उच्च के जबकि तुला राशि में नीचस्थ अवस्था में होते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जन्म कुंडली पर अगर सूर्यदेव बलवान होते हैं तो कैसी स्थितियां बनती है। धनु राशि के जातकों कुंडली पर सूर्यदेव अगर अच्छी अवस्था में विराजित हो तो जातक के अंदर उत्साह, लीडरशिप क्षमता और मन में सकारात्मक विचारधारा देखने के लिए मिलती है। सूर्य बली हो तो सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में कम प्रयासों में बड़ी सफलता प्राप्त होती है। सूर्य के बलवान होने पर जीवन के हर क्षेत्रों में मान सम्मान देखने के लिए मिलता है। वही कुंडली पर सूर्य के पीड़ित होने पर, खराब होने पर हड्डियों में समस्या, आंखों की बीमारी, पीलिया की समस्या, चर्म रोग की समस्या होती है, मान सम्मान की कमी जीवन में हो जाती है। वहीं पिता तुल्य लोगों के साथ संबंध भी खराब रहता है। अब आइए हम आपको बताते हैं इसका धनु राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। धनु राशि वाले जातकों, ये फलादेश आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। आपके राशि के लिए सूर्यदेव आपके भाग्य भाव के स्वामी माने जाते हैं। 16 दिसंबर को सूर्यदेव आपके प्रथम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। कुंडली के प्रथम भाव से आचार, विचार, व्यवहार, व्यक्तित्व, स्वभाव और चरित्र के बारे में विचार करते हैं। आपके प्रथम भाव यानी लगन भाव पर सूर्यदेव मौजूद होंगे तो आपके जीवन में कई प्रकार की सकारात्मकता मिलने वाली है। प्रथम भाव पर सूर्य के प्रभावी होने से आपका व्यक्तित्व और आपकी वाणी में आकर्षण बढ़ने वाला है। धनु राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान समय में कर्म क्षेत्र को लेकर दबाव का अनुभव ज्यादा कर रहे थे, इस अवधि के दौरान कर्म क्षेत्र के मामले में आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है। सूर्य के शुभ प्रभाव से आपके भाग्य में वृद्धि होने वाली है, क्योंकि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। उसके साथ साथ यदि आप सरकारी क्षेत्रों में, राजनीतिक जीवन में या सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं उसमें आपको बेहतरीन प्रभाव देखने के लिए मिल सकता है। सूर्य के शुभ प्रभाव से धनु राशि वाले जातकों को उत्तम स्वास्थ्य मिलने वाला है, यानी सेहत के दृष्टिकोण से यह समय आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाला है। सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि आपके राशि के सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव पर जा रही है।
ऐसे में धनु राशि के ऐसे जातक जो अविवाहित हैं और विवाह की कामना लेकर चल रहे हैं, उनके जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्ताव आने की संभावना भी दिखाई दे रही है। इस अवधि में आपको योग्य जीवन साथी प्राप्त हो सकता है। हालांकि पार्टनर के साथ आपकी बहस और मतभेद भी हो सकता है। जो जातक वैवाहिक जीवन में जुड़कर चल रहे हैं उनको संभल कर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ धनु राशि वाले जातकों, सूर्यदेव सप्तम भाव पर दृष्टियां डाल रहे हैं। आमदनी के स्रोतों में आपको इजाफा देखने के लिए मिलेगा। धन के कई मार्ग आपके जीवन में आसानी से मिल सकते हैं। धन के दृष्टिकोण से यह समय आपके जीवन में बेहतर रहने वाला है। इस प्रकार का प्रभाव धनु राशि वाले जातकों के जीवन में देखने के लिए मिलने वाला है। सावधानियों की जानकारी दिया जाए। सबसे पहली सावधानी धनु राशि को रखनी चाहिए, अपने वाणी के द्वारा कटु शब्दों का आपको जीवन में प्रयोग नहीं करना है। दूसरी सावधानी धनु राशि वाले जातकों को यह रखनी चाहिए, व्यक्तिगत जीवन में बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के अनुभवों को लेने का प्रयास जरूर करें। एक महीना ये आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए। सूर्योदय से पहले यदि आप सोकर रोजाना उठते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य जनित शुभता आपको आसानी से देखने के लिए मिलने वाली है। उसके साथ साथ धनु राशि वाले जातकों को ओम घृणेश सूर्या नमः नामक मंत्र का जप करना बेहतर रहने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।